आपको स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आनी चाहिए। और ये था उसका गुनाह कि रात को वो पोस्ट डालता है और अगले दिन उसकी हत्या कर दी जाती है। हमारा गुनाह ये है कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं? क्या हमारा गुनाह ये है कि हम पुलिस का सम्मान करते हैं? किसी को कुछ नहीं पता, जब तक हम अपने अधिकार के लिए, हम अपने भाइयों के लिए नहीं लड़ेंगे, जब तक कोई लड़ने वाला नहीं खड़ा होगा, ना कोई स्टैंड लेगा इसको। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तरार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। आज मैं मौजूद हूं दिल्ली के कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर के सामने, जहाँ पर एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। ये कैंडल मार्च जो है हाल ही में हुए कर्नाटक के हर्षा के मर्डर को लेकर निकाला जा रहा है। आइए एक बार इन लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं। जी सर, आप हमें बताएं कि क्या मांगे हैं आपकी। मांग है हमारी कि हर्षा को इंसाफ दिया जाए, जो जिसका गुनाह इतना था कि उसने इतना बोला था कि स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म चलेगी, किसी भी धार्मिक का कोई भी उसका पटका बुरखा वगैरह नहीं चलेगा। एक यूनिफॉर्म मांगी थी उसने, बस इसलिए उसको मार दिया। गलती ये है उसकी, बस सेकुलरिज्म ने मार दिया उसको। हाँ, इसलिए हम उन सेकुलर्स के लोगों के सामने से ही ये लेके चल रहे हैं, ताकि वो देखे इसको और समझे कि ये जो हर्षा के साथ हुआ है, ये सिर्फ हर्षा एक व्यक्ति नहीं है जिसके साथ हुआ है, और ये सिर्फ कर्नाटक में नहीं हुआ है, ये पिछले 30 दिन के अंदर पांचवी छठी मौत है, और छठी मौत का भी कारण एक ही है और वजह एक ही है। जी सर, आप बताएं। मैम, जैसे कि आप पीछे आप कई दिनों में देख रहे हो कि किशन भरवाड़ हो गया, रुपेश हो गया, रुपेश को इसलिए मार दिया क्योंकि सरस्वती मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहा था। अभी हर्षा का नंबर है, कल किसका नंबर है, मेरा है या इनका है, किसी को कुछ नहीं पता। जब तक हम अपने अधिकार के लिए, हम अपने भाइयों के लिए नहीं लड़ेंगे, जब तक कोई लड़ने वाला नहीं खड़ा होगा, ना कोई स्टैंड लेगा इसको। जैसे कि पीछे अभी सागर भाई ने मेरे को कॉल किया, सागर भाई ने बोला कि सुधांशु आज हम कैंडल मार्च कर रहे हैं, लेकिन कैंडल मार्च में हमने कितने लोगों को बुलाया, आए कितने लोग हैं, देखो ये इतनी सारी भीड़ में। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे भाई हैं इस चैनल के माध्यम से, जितने भी लोग देख रहे हैं मेरे को, इन भाइयों को, वो थोड़ा जागरूक हो जाएं। कल आपका नंबर हो सकता है या मेरा नंबर हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आप जी, असल में क्या है कि आए दिन जिस प्रकार निरंतर हत्याएं हो रही हैं, क्या हमारा गुनाह ये है कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं? क्या हमारा गुनाह ये है कि हम पुलिस का सम्मान करते हैं? क्या हमारा गुनाह यह है कि हम जय श्री राम के नारे लगाते हैं, या हमारा गुनाह यह है कि हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? कहीं ना कहीं निरंतर जो है हत्याएं की जा रही हैं। एक मजहबी कीड़े, जो मजहब को मानने वाले लोग निरंतर धर्म पे आघात कर रहे हैं, धार्मिक लोगों को मारा जा रहा है, जो भी धर्म की आवाज उठाएगा। आज अगर मैं जय श्री राम बोलता हूं, हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से आज मैं आपके सामने जीवित खड़ा हूं, कल मेरी हत्या कर दी जाए, आज मेरा कल इसका कल आपका, नहीं मालूम किसका कब नंबर होगा। तो मैं वर्तमान सरकार से, मैं बीजेपी सरकार, जब बीजेपी सरकार के अधीन पुलिस है, तो मैं बीजेपी सरकार से सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जल्द ही एक ऐसा कानून बने कि जो भी मजहब के नाम पर हत्याएं हो, उन्हें सख्त से सख्त सजा छोड़े, उनको फांसी की सजा का प्रावधान हो फास्ट ट्रैक कोर्ट में। परंतु ऐसा कानून जब तक नहीं बनेगा, तब तक मजहब के नाम पर हजारों, सैकड़ों, लाखों लोग मारे जाते रहेंगे और आगे भी मारे जाएंगे। अगला नंबर किसका, मेरा या इसका, नहीं मालूम है। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि आप अपने धर्म का प्रचार करो स्कूल के अंदर। हम एक पढ़े लिखे यूथ है, और हम पढ़े लिखे यूथ होने के नाते इतना कहते हैं, इतना समझते हैं कि स्कूल के अंदर एक यूनिफॉर्म चलती है, उस यूनिफॉर्म को आपको पहन के आना है। लेकिन ये जो सिर्फ कीड़े नहीं, जो आज प्रेस के अंदर, जो मीडिया के अंदर ऐसे कीड़े बैठे हुए हैं, जो एक उस मुस्कान को इस देश की शेरनी बना के बैठे हुए हैं, क्योंकि वो उन 50 हिंदू लड़कों के सामने अल्लाहू अकबर चिल्ला के चले गई थी, तो उनको शेरनी बना दिया कि भाई ये है शेरनी, जिसको एक बार भी किसी ने कुछ नहीं कहा, ना उस पर कोई अभद्र टिप्पणी करी गई, और ना उस पर कोई हत्या या कोई भी धमकी या कुछ हाथ भी नहीं टच किया, फिर भी उसको देश की शेरनी बना दिया गया। उसको पैसे दिए जा रहे हैं सरकारों द्वारा कि वाह, आपने बहुत महान काम किया है। क्या गुनाह किया हर्षा ने? हर्षा ने इतना बोला कि स्कूल के अंदर स्कूल की यूनिफॉर्म चलेगी, और वो स्कूल यूनिफॉर्म को सपोर्ट करने वालों के साथ था, और उसने फेसबुक पर, उसने सोशल मीडिया पर ये बोला था कि जो स्कूल है वो स्कूल यूनिफॉर्म है, वो फॉलो करनी पड़ेगी, चाहे किसी भी रिलीजन का वो पर्सन क्यों ना हो। उसने सिर्फ एक धर्म को टारगेट नहीं किया था, उसने हर धर्म के व्यक्ति को बोला था कि आपको स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आनी चाहिए। और ये था उसका गुनाह कि रात को वो पोस्ट डालता है और अगले दिन उसकी हत्या कर दी जाती है, और जिन पाँच लोगों ने हत्या करी है, हमारे देश का मीडिया उन पाँच लोगों का नाम लेने में भी डर रहा है, क्योंकि उनको डर ये है कि अगर हमने नाम ले दिया तो कल हमारे मीडिया हाउस के बाहर वो जो मॉब है वो खड़ा होगा हमारे को, हमें इसी नंबर के आगे ऐड करने के लिए।
गुना गुना सिर्फ उसका इतना था कि उसने हाईकोर्ट का सम्मान करा, केवल और केवल इतना गुना कि हाईकोर्ट का सम्मान करा। मैं भी हाईकोर्ट का सम्मान करता हूँ, ठीक है। आज अगर ऐसे दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी तो कहाँ तक हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? हम कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। आज मैं बीजेपी का नारा लगाऊं या मैं जय श्री राम का नारा लगाऊं तो मेरी हत्या कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत हो रहा है और हमें हर्षा के लिए इंसाफ चाहिए, हम सिर्फ यही चाहते हैं। हमने हिंसा करना कभी सीखा नहीं है, इसलिए आज भी हम जो है पीसफुल एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि जो लोग हैं जिन लोगों को नहीं पता, मैं तो कह रहा हूँ आपको मैं दिखा दूंगा, इसी पब्लिक के बीच में से सिर्फ मात्र 10% लोग होंगे जिनको पता भी होगा कि हर्षा को एक नाम का व्यक्ति था जिसकी कर्नाटक में हत्या हुई है। इन लोगों को कुछ भी नहीं पता होगा, लेकिन इन लोगों को ये पता जरूर होगा कि आज दीपिका पादुकोण ने कपड़े कौन से रंग के पहने हैं। तो हम देख सकते हैं ये जो इनका कैंडल मार्च चल रहा है वो YSS संगठन द्वारा है, YSS ग्रुप द्वारा है। हम इनसे पूछते हैं कि इनके आखिर जो क्या हर्षा को सच में जो जस्टिस है वो मिल पाएगा कि नहीं? जी सर, क्या आपको क्या लगता है कि हर्षा को जस्टिस मिल पाएगा? मैम, मिलना तो सिस्टम बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस देश के अंदर ना सिर्फ किसी एक धर्म और एक संप्रदाय के बंदों को सिर्फ अपनी आवाज़ रखने का हक है, बाकी सबके तो मतलब उनकी ना कोई औकात है ना कोई हैसियत है। उनके हिसाब से अगर उनको कुछ होता है ना, अगर उन्हें कोई थप्पड़ मार दे या कुछ कर भी दे तो वो एक बहुत डरे हुए लोग हैं, और ये इतने डरे हुए लोग हैं ना कि ये घर में घुस के आजकल लोगों को मारने भी इतना शुरू हो चुके हैं। 300 बंदों की मॉब तमिलनाडु के अंदर जाके एक इंसान के घर में घुस के उसकी बूढ़ी माँ और उसको चाकू से मार रहे हैं, बताओ। आपको जो हर्षा का ये जो प्रॉब्लम आया है, ये जो पूरा मर्डर केस आया है, इसमें आपको कैसे लगता है कि ये जो है पूरा धर्म का मैटर है? मैडम, ये पूरा धर्म का ही मैटर है, क्योंकि वो एक धर्म से जुड़ा हुआ था। और उसने सिर्फ क्या कहा था, उसने सिर्फ एक फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट तो किया था कि स्कूल के अंदर स्कूल की यूनिफॉर्म चलेगी, माँ की डिग्निटी को बनाए रखने के लिए, इक्वलिटी को बनाए रखने के लिए। उसने उस पोस्ट के बाद ही जो है उनकी हत्या कर दी गई। जी हाँ, उस पोस्ट के बाद ही जिन चार शख्स ने उसकी हत्या करी है वो चार सबके सब एक ही संप्रदाय के हैं, और आज पुलिस भी मीडिया सब उनका नाम जाति धर्म सब बताने से तो इतना डर रहे हैं ना, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा। YSS ग्रुप द्वारा जो कैंडल मार्च था वो अब समाप्त हो चुका है, और इसमें इन लोगों की एक सीधी सीधी ये मांग थी कि जस्टिस फॉर हर्षा। इन लोगों का सीधा सीधा ये मांग था कि हर्षा का जो अभी मर्डर हुआ है हाल ही में, उसे जस्टिस मिलना चाहिए। इन लोगों का कहना है कि जो मर्डर है वो किसी धर्म विवाद के ऊपर हुआ है। जी हाँ, इसी को लेकर इनका कहना है कि जितने भी आज तक मर्डर हुए हैं धर्म विवाद को लेकर, उसको भारतीय कानून में सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि जो धर्म के मर्डर होते हैं इनमें जो है कानून एक सख्त बन जाना चाहिए, ताकि जो भी मर्डर करे उसे सीधा फांसी हो, और ये धर्म विवाद जैसे जितनी भी अपराधियां जो संख्याएं होती हैं वो सब कम होए दिल्ली में। ऐसे में इन लोगों ने ऐसे भी कई नारे लगाए कि जितने भी लोग पहले धर्म विवाद के ऊपर मारे गए थे उनके लिए भी इन लोगों ने जस्टिस मांगा, और इनका कहना है कि हर्षा को जो है वो जल्द से जल्द जस्टिस मिलना चाहिए। आप भी अपनी राय इस पूरे मामले में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज़तर्रार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।